पर तुम छोड़ते नहीं। सांप को देखो तो वो भी अपने को बचा रहा है, न्योले को देखो तो वो भी बचा रहा है। कोई भी जाना नहीं चाहता, इस तन को नहीं तजना चाहता। देखा कितना लगाव हो गया कि हर हंसा ने इस तन को जिसको पाया उसको अपना जान लिया, तन को भी अपना जान लिया और मन को भी अपना जान लिया। मन से सब काम हो करते, तन में तुम चलते फिरते और सुनते हंसते, सारा काम इसी से हो रहा। ये आडंबना, एक घर बुझे तू सदा पाप, बिन बुझे तू सदा न पाप। मेरे दांत पालो तो पाप हो जाओगे, पार हो जाओगे। कुछ तुम अपने इस महमो को छोड़ो, कुछ नहीं लेता तुम्हारी दुख की आना ध्वनि, कुछ नहीं लेता। तुम घर बुलाओ, वहां आकर दीक्षा दे दो। मैं कहता हूं तुम्हें शेर के पंजे से निकाल, बुरी तरह फंसे हो। एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिरिया कुल संसार, क्या करूं। तो प्यारे सत्संग जी, ये भजन दिया आपको जगाने के लिए कि काल में फंसे हो, आओ चलो, आओ चलो निज धाम सच्चे घर प्यारे। वहीं से तुम आए हो, तुम तो आत्म रूप प्यार, मन से लेन ना देन रहे। ये लोग तो मन और माया का, इससे क्या ले हो, क्या पालो। लेकिन सदा तुम सुनते हो, जब मैं इस शरीर से इस जम्मू को छोड़ दूंगा तो तुम्हें मेरी होश आएगी, फिर मैं किसी और देश में गया हूं जहां मेरी ड्यूटी लगे, क्योंकि आप ये चोला नहीं मुझे कोई दे सकता। चोले में मैं दाखिल हो सकता हूं उसे शुद्ध करने के लिए, पर चोला गर्भ में नहीं मुझे आना। गर्भवास से पार हूं प्यार। अब किस तरह से सतपुरुष ने करना उनकी मर्जी, पर इतना ही कहा। निज धाम में बड़ी सैरें कर लिया, बड़ा देखा निज धाम। अब कहते हैं संसार में काम कर, तो करूंगा मैं, ना नहीं कर। जैसे ड्यूटी देंगे कहेंगे आ जा, चला कहेंगे काम कर, जैसा जैसा हुक्म साहिब का तैसा करूं मैं काम। उनके आगे सिर झुका रहे, उन्हीं के उन्हीं का मानू काम। और संसार में भी जो है उनकी भी बात में मानता हूं, मैं किसी की बात को काटता सिर्फ समझा देता हूं, ऐसे नहीं ऐसे चल, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम चलोगे तुम्हारा ऊपर है, नहीं चलोगे मैं नहीं किसी को कुछ आगे कर। जग में हर जीव अपराधी, जन्म जन्म का प्यार। यहां पर भी दोया वक्त पर पहला बोला था, मन मान शब्द दात सो छूटे प्यार, आत्म हंसा रूप पाती जान रहे। आत्म जो है हंसा रूप पाती है जान रहे। सतगुरु को दंडवत बार बार प्यार, ये ध्यान रखना। जिस तरफ सतगुरु बैठे हो उस तरफ बार बार दंडवत करो, कुछ पाना है। पहुंचती है तुम्हारी नमस्कार, पहुंचता है तुम्हारा प्यार, पहुंचता है तुम्हारा सत, पहुंचता है तुम्हारा आनंद, पहुंचता है तुम्हारा प्रेम सतगुरु की ओर। जो फेंकोगे वही मिले। सतगुरु को दंडवत बार बार प्यारो, कोटि कोटि प्रणाम रे। ये वेद वैराम सतगुरु देते हैं, बिन सतगुरु एक ना पार, सतगुरु के बिना कोई पार नहीं। इसलिए बोला एक ना भूला दो ना भूले, भूला फिरिया कुल संसार। तो बात याद रख लो, सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो पाए। जिन जाना तिन रंग माना, गोरे गोए का क्या गया ना कि जो गुवार होता है वो भी शहनशाह बन जाता है।
जो गुंगा होता है गुंगा गुड़ गुड़ खा के किस मुख के है स्वाद, उसने अपने आप को अंदर पहचान लिया, उसको स्वाद कब पता चल गया, बोलने की जरूरत ही क्या है गुंगे पंच। तुम्हें सतगुरु से क्या मिला, क्या डोल पीट में वही मिला जो तुमने दिया, पर जो दिया उससे लाखों टाइम ज्यादा मिला। मेरी तरफ फूल फेंकोगे वापस लाखों फूल जाए, मेरी तरफ प्रेम फेंकोगे प्रेम की वर्षा हो जाए, मेरी तरफ सत्य फेंकोगे चारों ओर सत्य दिखे, मेरी ओर आनंद फेंकोगे सारा संसार आनंद में दिखे। जो फेंकोगे वो मिल जाए। जग में हर जीव अपराधी जन्म जन्म का प्यारो, अंग अंग में बरे विकार में, वैनाम सतगुरु दुख बंजना, हर साधक की करे समार में, ये वेद वैनाम सतगुरु देते हैं पर मैं प्यास बुझती जान। बड़ा तगड़ा तो यही है ऊपर वाला भी पढ़। जग में हर जीव अपराधी जन्म जन्म का, क्यों अपराधी जन्म जन्म, अपने पिता को भूला है, अपने पति सतपुरुष को भूला है, अपने घर निज धाम को भूला है, अपने परमहंसा जो सच्चे रिश्ते हैं उनको भूला। तुम तो झूठे रिश्ते जान से छूट जाएगा, कौन कहाँ जाएगा कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ तुम रोते और चिल्लाते हो कौन सुनता है। रोवो नहीं चलाओ नहीं, पूर्ण सतगुरु को पकड़ो। ये यूट्यूब में बड़े तुम्हें बरमाने आ रहे हैं, बाबा कुछ नहीं है पास, सच बोल। तुम बस चपड़ी चपड़ी बातें सुनने के आदि, बस वही बल एक ना बोला दो ना। इसलिए प्यारी सर समझी, कागज के फूल दिखाते हैं और उनको असली कर बताते हैं, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया। बस मैं जो अंदर बाहर एक हो जान, जो अंदर हो वही बाहर प्रेजेंट कर रहा, दर्पण हूं संसार का, दर्पण हूं निज धाम का, दर्पण हूं सतपुरुष का, देख। इसलिए इस दर्पण में जो सामने लाओगे वही प्रकट होगा। तुम अपने अंदर जो सतगुरु की तरफ प्रकट करोगे वही तो करामात हो जाएगी। इसलिए करामात तो हर साधक के साथ होती है, लेकिन दृष्टांत कभी कभार ही सतपुरुष करते हैं, कई सेंचुरियों के बाद दृष्टांत करते हैं। ये जो दृष्टांत हुआ शायद इस धरती पर पहले कभी हुआ, मुझे नहीं दिखता कि कहीं कभी हुआ, क्योंकि जो पूर्ण संत सतपुरुष की दात लेके आता है वो नराला। कबीर साहब से दात लेके आएगा तो अंतर नहीं, सतपुरुष ने नहीं दिया तो कबीर साहब ने दिया तो अंतर तो हो गया। एक आदमी ने बादशाह से दांत को पाया और एक आदमी ने वजीर से दांत को पाया तो अंतर तो है बड़ा। कबीर साहब भी वैसे ही परमहंस है जैसे रविदास जी हैं, बाबा नानक हैं, मीरा जी हैं, उसी तरह की पद्धति है। मैंने सबको इकट्ठे देखो, इकट्ठे सबका बड़ी यूनिटी, वहां कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि भेदभाव मन से, वहां मन ही नहीं रहता तो भेदभाव कौन से। वह नाम सतगुरु दुख भजन, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए आया। दुख भजन सुरती नाम, दुख भजन सुरती, जो मैं शब्द देता हूं उससे दुख तुम्हारे दूर हो जाते, सुख ही सुख हर ओर फैल जाते, दुख का निवारण हो जाता, पर कौन समझाए। हर साधक करे संभाल, सब साधक का पूरा ध्यान रखता हूं, जब यहां बोलता हूं आंख बंद करके सारी संगत को देख लेता, सबकी ओर नजर है मेरी, सब एक समान, सब पूर्ण हंसा प्यारो, एक दिन निज धाम जाकर बनेंगे परम हंस महान। यहां हंसा है वहां परम हंसा हूं, ये वेद वैराम सतगुरु जी देते हैं पर मैं
प्यास बुझती जान। सतगुरु के पास आते ही जन्मों जन्मों की प्यास मिट जाती, क्योंकि आत्मा प्यासी, उसको तुमने सत नहीं दिया, तुमने श्रुति और निर्ति को नहीं जड़ा। सत क्या है? प्यास कब मिटेगी? जब श्रुति और निर्ति जुड़ जाएगी। लाखों जन्म लिए तुमने इसे जोड़ा नहीं जीते जी, ये कभी जुड़ी निज दाम से आई थी, जुड़ी हुई आई थी। यहां काल भगवान ने दो हिस्सों में बांट दिया, एक को हृदय में डाल दिया तो धड़कन बन जा, एक को श्वासा में डाल दिया तो प्राण बन, दोनों अलग। लेकिन श्रुति बड़ी कमाल की चीज है, सात उसके अंग, सात श्रुति का सकल पसारा, बिन श्रुति कुछ नहीं जाना, श्रुति सब कुछ जानती। पिछले सत्संग में मैंने आपको हिंट दिया था, अनंत श्रुति, जब तुम पूर्ण आनंद में ही हो जाते हो, पूर्ण सत्य हो जाते हो और हंसा बन जाते हो, तो निज घर जाने में फिर देरी किस बात? पल में सत्पुरुष लेने आ जाते हैं सूरत कमल, फिर देरी नहीं लगती। आए ना इस गधे भाई को ले, आए ना बड़े साहब जी को ले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, कौन बड़ा और कौन छोटा, हम सब हंसा रूप प्यारो, सत्पुरुष का अंश महान है, हम सत्पुरुष के अंश, वही हमारा बाबल, उसके हम अंश। तो क्यों नहीं अपने पिता के पास चलना जाना चाहते, जिसके अंश हो उस देश में चलो। हम सब हंसा रूप प्यारो, सत्पुरुष का अंश महाद्रे, मन माया के रंगों में हो गया प्यारो। मन माया के रंगों में, ये संसार जो है ना रंग बरंगा, इसने बरमाया है, यही तो बरम का जाल। रंग बरंगा जो दिखता सारा, फूल और फल में भटके जान रहे, बड़ी बड़ी मोटरें गाड़ियों में चलते फिरते, निज की कर पहचान इनमें से क्या बचे? यही सब रह जाएगा, यहाँ का दरा माल यही रह जाएगा। तू अकेला पंछी फिर जन्म मरण में पड़ जाए, जन्म मरण को छोड़। तजो भ्रम भजो पार भ्रम, नानक के सच्चे तन, बस सत को पाओ। जो पहले गए वो भी पुकार पुकार के तुम्हें गए, तुमने नहीं सुना। आज मैं आया हूं पुकार पे पुकार देता हूं, तुम नहीं सुनते। सारे कोरोना पीरियड में मैं चिल्लाता ही रहा, पर तुम कहां मानते हो? हम सब हंसा रूप प्यारो, सतपुरुष का अंश महान रे, मन माया के रंग में खोए खोगे प्यारो, छूटी अटपट चाल। तुम हंसा थे, तुम्हारी क्या चाल थी? वाह, ऐसे तुम सैर करते थे कि एक सेकंड में तुम चांद और तारों को पार कर सकते, तुम्हारी तो इतनी अटपट चाल है। और तुम ये कदम कदम चल रहे, स्तन को पाके कदम कदम हो चलते, तुम तो खुशबुओं के मारे, तुम तो अमृत पीने वाले, अमृत फल खाने वाले, किस जाल में फंस गए? गंदी चीजें खाते और गंदी ही बात फेंकते, वहां का अमृत तो पता ही नहीं लगता कहां चला गया। बाडी मैंने वहां अमृत पिया, पता ही नहीं चला कहां गया। बस वही है, तन और चेतन हो गया, श्रुति और चेतन हो, चेतन हो जाए। ये वेद वेदांत सतगुरु देते हैं, बिन रसरी हर जीव बंधा जान। इस काल भगवान ने तुम्हें बांधा है, सकल संसार बिन रसरी बंधा जान दिखाई नहीं देते। ये डोर बड़ी मीन है, बाहों से तुम्हें बांधा हो, दिखाई कैसे? भाव पे भाव तुम्हें देता और भाव से तुम बंधे, तुम भाव कहाँ ले जाते? इससे बचने का रास्ता बता, तुम्हें शायद यही दो है, ये रखूंगा। देखो प्यारे सत्संग जी, बात क्या होती है, मन आपको भर भर भाव देता है, उनमें उलझाता है, वो तुम्हें भाव देता है तो कहाँ और कहाँ ले जाता है? फ्यूचर में ले जाते हैं और पास्ट में ले जाते। ये फ्यूचर और पास्ट में जाना जो है ये मन,
इसी को कहते हैं कि तुम डायमेंशनल बन जाते हो। जब क्योंकि वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है और थ्री डायमेंशन। आप रेक्टेंगल बनाते हो थ्री डायमेंशन, आप कोई स्क्वायर बनाते हैं टू डायमेंशन, जब आप एक लाइन ड्रा करते हो वन डायमेंशन। दरिया चल रहा है एक डायमेंशन चल रहा है, अभी उसी दरिया को घुमा डाल और फिर बहा डाल, वो जो घुमाया आपने वो टू डायमेंशनल होगा, जिसका एक रिजल्टेंट बनता है वो टू डायमेंशनल। जैसे एक ट्राइंगल दो लाइनों को जा रहा था, रिजल्टेंट बना ये टू डायमेंशनल, लेकिन वो जो लाइन बनी वो एक डायमेंशनल, दो से एक डायमेंशनल हो गए। तो आप अपने आप को जीरो बना, कोई डायमेंशन डायमेंशन लेस हो। डायमेंशन लेस का मतलब है तुम आत्मिक हो, डायमेंशन लेस का है तुम हमेशा सुरती और निरति हो, कहीं विचार नहीं जा। और ये तुम ये कैसे ना दे, कोई टीवी में जब कोई बोलेगा वो ऐसी तरह का पेश, मैं आपको बता रहा सिमरन में चले जाओ, श्वास श्वास पे श्वास है में सिमरन डाल। कभी भी चलते फिरते बैठते उठते खाना बनाते आप सिमरन, आप डायमेंशन लेस हो। मन जरा भी नहीं आपके पास आ पाए, ना तुम्हें पास्ट में ले जाएगा ना फ्यूचर, ना भूत में ना भविष्य में नहीं ले जा सकते। जब ना भूत है ना भविष्य है तो तुम आत्मिक हो, प्रेजेंट डायमेंशन लेस बैठो। मैं जिस समय का तो आपको सत्संग डायमेंशन लेस, मैं सिर्फ आत्मा से जुड़ा हूं, सुनती निरति श्वास चला रही हूं, कहीं पाव नहीं जा। इसलिए प्यारे सत्संग जी डायमेंशन लेस हो जाओ, कार्य लेस अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से तुम कोई कार्य न कर, श्रुति को मत भटका, श्वास में दोनों को अभी क्या ना, श्वास श्वास में नाम ले व्यर्थ श्वास ना कोई, क्या जाने किस श्वास में आवन हो, बस मोक्ष हो गए, तुम आत्मिक हो गए। सतगुरु साथ, सतगुरु साथ है तो सतपुरुष साथ, 24 घंटे तुम दोनों को अपने साथ रख सकते, लेकिन एक ही शर्त, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। एक कबीर सिमरन की ये साई में बन, सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद परम पल भर भी बिसरे ने प्राण तजे थे सब, वो अपनी सुरती से चलती चलती पता ही नहीं कोई मुझे मारे, क्योंकि मन मन ढूंढेगा उसको अपनी कस्तूरी का पता कि मेरे नाभि में उसे नहीं, वो देखती है घास, इसलिए मन मन ढूंढेगा कस्तूरी कुंडल बसे मृग जानत ना, यही तो उसकी बुद्ध, फिर बन बन ढूंढेगा जा पहुंचे उसी स्थान पर जहां मौत का वास, वहां पहुंच जाते। इसलिए प्यारे सत्संग जी काल के दायरे में जागे नहीं तो तन तजना पड़ेगा और दूसरा तन पाना पड़े, और तुम मान में रहते। मान जो है ऋषि मुनियों को मार गया, क्योंकि ऋषि मुनियों ने क्या पाया, मान ही तो पाया। मैं अगला सत्संग आऊंगा तो काव्य भुषंडी का आपको ज्ञान सुनाऊंगा, उसकी बातें करूंगा कि आत्मा की बात, मैं इससे आज साथ साथ आत्मा की तरफ तुम्हारे पास आ रहा हूं, बड़ा सिमेट्रिकल चल, लेकिन मुझे याद रहता है मैंने कौन कौन से टॉपिक दिए, मैं एक ही टॉपिक को रखूंगा ना तुम बोर हो जाओ, फिर तुम सुनोगे ही नहीं सच। एक ही भूल हंसा ने की प्यार, निज को तन मन लिया जाने। देखा हंसा ने भूल क्या की, जितने भी तुम सब हो सुनने वाले, भूल तुम्हारी क्या हुई, तुमने अपने आप को तन और मन जाने। तभी कहते हैं मन के मते न चाहिए, मन के मते अनेक
जो मन पे सवार है वो साधु है। अपने आप को तन और मन जाने यही भूलोगे। ये तन एक पांच तत्व का पिंजरा प्या, पांच तत्व का पिंजरा जो धरती जल अग्नि वायु और सुन से बना है, इसको ही हर इंसान ने इसी के पीछे पड़ा। मैं बीमार मैं ठीक हूं कहानियां इसी की करे। अपनी कहानी तुम्हें पता ही नहीं, तुमने अपने आप को तन जान लिया, यही सारी चीज अडपना। तन जाना तो तभी तो तुम्हें कोई चीज पता भी नहीं चलती कि ये करामात है कि दृष्टांत। करामात जो खुद करता है उसे करामात कहते हैं, जो हो जाती है वो दृष्टांत होता है। मैं कोई थोड़ा प्रेसिडेंट के घर गया और वहां जाकर मैंने कोई ज्योत को जलाया, मैं तो नमस्कार करने गया है बार। जब मिट गई तो उसके बाद दो तीन दिन के बाद गया। इसलिए प्यारे सत्संग जी सभी मान चाहते, पर मेरे प्रेसिडेंट ने एक बार भी नहीं कहा कि आप, मैं ही बोल रहा हूं, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा। मैंने उन्हें कहा कि ये जो अगला ग्रंथ आ रहा है उसमें डालना है, मेरा कहना मानते हैं सारे, मेरे कोई अपनी मर्जी कोई नहीं कर। ये तन एक पांच तत्व का पिंजरा प्यारो, इसमें निर्मल आत्म हंसा बर्मित हुई जान, आत्मा को बरमाया है मन और माया है। पर पल इसको भरमाया, तुम नहीं जागना चाहते, तुम नहीं आगे बढ़ना चाहते, तो कैसे चलेगी कहानी। इसलिए ये वेद व्यानाम जी देते हैं, बिन रसरी बंदा जग जाए। तुम्हें दिख नहीं रही लेकिन अंदर भाव जो पल पल तुम्हारे अंदर सुषमना मत बसे जने भाव दे रहा है। कॉस्मिक माइंड यूनिट माइंड को भाव भेजता और यूनिट माइंड आपको अंदर दे, कनेक्शन जुड़ा दोनों। कॉस्मिक माइंड पूरे शून्य तत्व है, पूरे शून्य तत्व तुम्हारे अंदर भी जो सांसा ले रही कॉस्मिक भी साथ आ रहा, इसलिए जुड़ा हुआ है। सुषमना बड़ी कमाल की चीज है, तो इसके बारे में फिर भी बोलू। यमदूत प्राणों को पकड़ते प्यार, ये बताते हैं कैसे ले जाते हैं। आत्मा तो पकड़ी नहीं जाती, तो कोई प्रश्न करता है भाई आत्मा तो पकड़ी नहीं जाती तो फिर यमदूत कैसे आत्मा को ले जाते हैं, बड़े चलाक। ये सुरति को कुछ नहीं करते, सुरति जो है निर्दिष्ट से बहुत प्रेम करते, उसके पल पल रहती, तभी तो सुषमना में आगे चक्कर में दोनों जुड़ते हैं तो सांस लेते। आप हंसा रूप में लेते लेकिन मन सत, उसने मन डाला विचार अपने ही देते। सांस ले रहे हो कोई बात नहीं, पर जब तुम सांस ले रहे हो शब्द नहीं, मन साथ भाव में फर्म चले जाओ, फौरन विचारों में चले, तुम्हारे सुन में भी सुन होगा और काल होगा। जो तुम सुन अंदर क्रिएट करते हो तो उसमें कौन, काल ही तो है उस सुन। तुमने सुषमना को जगाया ही नहीं कि तुम आत्मिक बनो, तो तुम फिर क्या सुन काल। सुन और महासुन दो ही तो है बार, वही तुम अंदर क्रिएट करना चाहते हो तो काल में ही रहे ना। सुन और महासुन बनाए तो काल में ही रहे, मन वाले हो, मन से अलादा हो। मन से अलादा हो गई तब जब उससे बड़ी ताकत तुम्हारे पास हो। तुम पांच शब्दों से थोड़ा सुन कर जो तुम सुन कर एक बोलते रे मन भेजेगा स्वर्ग, भेजेगा पितर लोग, फिर आके धरती पर फिर जन्म ले। इसलिए प्यारे सत्संग जी कहां सुनते हो तुम। यमदूत प्राणों को पकड़ते प्यारो, आत्म हंसा पकड़ी मत जान, आत्मा हंसा को नहीं पकड़ा जा सकता। प्राणों के पीछे पीछे सुरती चलती जान, जब देव दूत प्राणों को लेते हैं और चल पड़े और सुरती पीछे पीछे अपने आप चलते, जैसे बछड़े को ले चलो गाय अपने आप पीछे, तुम गाय को ले जाओ तो गाय कभी नहीं चलेगी, वो बछड़े के बिना नहीं चले। सुरती
सुरती को पकड़ते तो बात बनती नहीं, सुरती पकड़ में से जाती, गाय भी कभी पकड़ में नहीं आती। प्राणों के पीछे पीछे सुरती चलती जान रहे, ये वेद संत देते हैं सुरती का प्राणों से अति प्रेम। सुरती का प्राणों से बड़ा प्रेम, बड़ा गहरा संबंध। तभी कहा ना, सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया, तू सुरती बांध स्थिर कर आठों पैरों। सुरती का है खेल ये सारा, सुरती बिन कुछ नहीं, सुरती के बिना बाकी सब क्या है, काल। काल जाल में सुरती फंसी पे आ, सार शब्द से होती पार नहीं, बिन सार शब्द बात बने नहीं। कोटन करो उपाय, तुम जितने मर्जी उपाय करो, बिन सार शब्द बात बने नहीं बने। इसलिए नींद में हम सूक्ष्म तन से तन में प्यारो, स्थूल तन का सम छूटा जाए। आप एक छोटी सी बात देखो, स्थूल शरीर में हो इसे कोई मार सकता, कोई भी आए इसे काट सकता, कुछ भी कर सकता। मीन्स आप जागृत अवस्था में तो स्थूल शरीर में, इस शरीर को कोई मार सकता है, लेकिन तुम नींद में उस शरीर को जिसमें आप नींद कर रहे हो, वो सूक्ष्म शरीर, इवन सूक्ष्म शरीर तलवार नहीं काट सकती, अग्नि जला नहीं सकती, वायु नहीं उड़ा सकती। एक तन को छोड़ा और दूसरे में तुम चले गए, उसमें तुम्हें कोई नुकसान नहीं दे सकता। तुम इसमें आओगे तो नुकसान, इतना सा सुषुप्ति में चले जाओ, वहां पर भी तुम्हें कोई सुषुप्ति में जो स्थान मिलता है उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचे, स्थूल को ही पहुंचे। जो पांच तत्व वो तुम्हें अंत वक्त छोटा सा शरीर मिलता है, फिर उसमें तुम आराम से सपने देखते, और सपनों में भी तुम गलती करते, मन साथ, लेकिन मन साथ है तन नहीं, इसलिए कोई तलवार का वार नहीं कर पाएगा। लेकिन जब शरीर ही कट गया, तुमने दांत ही नहीं पाए, तो ये फिर भटकेगी ना, फिर भटकती है बहुत पीरियड, फिर हिसाब देर से होता है। जब तुम नींद में और सुषुप्ति में कोई तन आपका तन को हानि पहुंचा दे, तो वो जो देवदूतों के द्वारा नहीं ली गई, उनका हिसाब इंद्र के दरबार में कई अरबों सालों से भी पड़े हैं, और उनका हिसाब नहीं हो, टाइम ही नहीं उनको मिलता, नए आ रहे हैं तो उनको हिसाब ही नहीं होने में देरी लगती, प्राणों को क्या देखे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, नाम कि महिमा अपरंपार है, सिमरन करते करते तुम जहां जाओगे तो वो सुरती तुम्हारे साथ, वो सुरती तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारे तन को कोई हानि भी पहुंचाए, सुरती तुम्हें अपने घर ले जाए, क्योंकि वहां तुम हंसा रूप, फिर स्वप्न में भी हंसा रूप और सुषुप्ति में भी हंसा रूप, और बैठे हुए भी हंसा रूप, चलते हुए भी हंसा रूप, अब तुम्हें कोई डर। अब जब भी प्राण जाएंगे निज घर पहुंचो, जितनी सफाई हो, बहुत सफाई है तो सीधे निज धाम, कम सफाई है तो मानसरोवर, फिर मानसरोवर से सदगुरु ले जाए। इसलिए मेरा काम आपको बार बार समझाता हूं कि बाबा जागने की चेष्टा करो, इसलिए कहा नींद में हम सूक्ष्म तन से प्यारो, स्थूल तन का सम छूटा जान दे, सूक्ष्म तन तलवार से प्यारो, कटता मत जान। लिख भी दिया, जो बोलता हूं वही लिखता। ये वेद बैराम जी देते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी जान रहे, क्योंकि उसमें जो तन मिला वो आत्मिक जैन होया, तुम्हारी आत्मा चेतना नहीं, इसलिए हिसाब तो काल में रहेगा, तो बड़ी देर बाद फिर हिसाब होगा, हिसाब में देरी रहे। कुत्ता शेर बंदर हाथी बोले बोले करते प्यारो, बचने का उपाय मत जान। मैंने आपको बोल दिया कुत्ता
घूमता है कांच के मंदिर में, घर में कांच का जो घर था वहां घूमता है और घूमते घूमते मर जाता है। शेर कुएं में अपनी ही परछाई देता है, वह मर जाता है। बंदर मैंने आपको बताया मुट्ठी में चने भरता है और चने नहीं छोड़ता और पकड़ा जाता है। हाथी सिलाऊ को देखता है जब पहाड़ी पर चढ़ता जाता है आगे आगे और रोशनी पड़ रही है तो वहां उसको अपना परछाई देता है, बस उस परछाई से लड़ता है और मर जाता है वहीं से। इसलिए यही भूल इंसान कर रहा है, वो अंतर क्या ये उदाहरण दे रहे हैं। तुम पास्ट और फ्यूचर में जो जाते हो वही तो अपने आप को मानो। किसी भी चीज का विचार कर मत करो जो तुम्हें मिलना मिले, जो गई लिखित सो गई भूखित, जो तुम्हें मिलना है उसे कौन तुमसे दे सकता, वो कोई नहीं तुम्हारा छीन सकता। लाभ कोई जतन करे वो तुमसे नहीं छूटे, तुम्हें मिले। इसलिए जितना भी समझाऊं आप वो अपने मान में रहते हो तो कुछ नहीं बदलते, बस फिर मांग आते मुझे मेरा ये काम हो जाए। मेरे को मांगो से क्या लेना देना, मेरे को बाबा जी नहीं, सिमरन से सब कुछ मिल जाए। सिमरन में जाओ सब कुछ पा जाए। इसलिए ये वेद वैराम जी देते हैं, हंसा निज भूल से तन मन से बंधा जाने। अपनी भूल से तन और मन से तुम बंधे हो, तुमने अपने आप को तन और मन जान लिया, यही तुम्हारी बचकन है और यही भूल। मैं इसलिए लिख देता हूं कि मैंने जो बिल्कुल सिमिट्री में रहे प्रवचन, इधर उधर मैं नहीं जाता। जो बोलना है सीधा बोलो, किसी को भर में इधर से उधर नहीं। हाँ कोई बात सुनाता हूं तो उसी के साथ जुड़ी हूं। अभी बताया सपन और सुषुप्ति में तुम चले जाते हो, दीक्षित हो तो निज घर जाओगे, पार्टी को जो मर्जी हानि हो, नहीं दीक्षित तो तुम्हारा फैसला होने में भी देरी लगे, हत्या होगी, हत्या का फैसला देश। आत्म तत्व बेहद गहराई में प्यारो बेहद गुम जान। आत्म जितनी अंदर डुबकी गहरी लगाओगे तुम आत्मी तब करो। इसलिए कहा श्वास श्वास में नाम ले व्यर्थ श्वास न खोए, क्या जाने कि श्वास में आमन हो ना। बस श्वासा को पकड़ के डुबकी लगाते जाओ, अंदर चलते जाओ, जितनी गहरी डुबकी होगी उतने तुम शुद्ध आत्मी को जाओगे, हंसा होते जाओ। जितना ऊपर वाले तल पैर हो गए भटकन, इसलिए सात सुरतियों को अंदर से ही पार करना। सात सुरती का सकल पसारा, बिन सुरती कोई नहीं नया। सुरती बसी संसार में दस ही पड़ गया दूर, सुरती बंद सिर कर आठों पैर। इसलिए मेरा आपसे बार बार यही कहना है कि प्यारी सत्संग जी सुरती की पहचान करो, सुरती वन बन के रहो। इसलिए कहा मन बुद्धि चित्त से प्यारो, आत्म की होती पहचान मत जान। मन बुद्धि और चित्त का इस्तेमाल करो तो आत्मा की थोड़े पहचान, श्वास श्वास में सिमरन होगा तो आत्मा की पहचान। इसलिए तुम्हारी चेष्टा से कभी कुछ नहीं मिलने वाला। जितने तुम्हारे YouTube में बोलने वाले मुझे तो ये लगता है वो उनको पता ही नहीं है। दो आदमी पूरे ब्रह्मांड में आत्मा की जानकारी रखते हैं, एक मेरे सदगुरु और एक गदा भाई। इन दो के बिना तो और किसी के पास ये नॉलेज ही नहीं है पूरा। वो कैसे थे? वो लच्छेदार भाषण देते होंगे, वो कुछ कबीर साहब की बातें पकड़ते, वो दूसरे की पकड़ी नहीं साहब। मैं कबीर साहब के अनुसार चलता हूं, लेकिन अपने ढंग से उनके ढंग से, मेरा अपना ढंग है उनका अपना ढंग। इसलिए आत्म तत्व बेहद गहराई में प्यारो बेहद गुम जान। जितने ढंग जब गुम कोई नहीं है, जैसे आप कभी बैठे हो आप ध्यान में, कोई आ भी गया तो आपको पता नहीं चलता, आपको हिलाता है आप कहूं आप मैं आ गया वापस,
आप फट झटके से वापस आते हो, आप बड़ी गहराई में चले गए थे, दूर चले गए। और कई बार ऐसे बैठे होते हो तो तुम को भी देखते हो को मेरा कोई सरबंदी वो दिखाई दे, तुम याद रखो वो तुमको याद कर रहा, जो तुम्हारी विस्मृति में आया वो भी तुम्हें याद कर। और कई बार तुम्हें वो चलता हुआ देखो वो तुम्हारी तरफ याद, और थोड़ी देर में वो आपके पास पहुंच जाए, सुरती से भी पास पहुंच सकता है, मेरे पास सुरती से आत्माएं आ जाती, मोक्ष मांगती आ जाए। इस कोरोना के पीरियड में बहुत है अपना आप व्यक्तित्व तो प्यार हो, कहता आत्मा तत्व तो बेहद गहराई में प्यार हो, बेहद गुम जान रहे अपना आप व्यक्तित्व तो प्यार हो, आत्म से लेन न दे। तुम अपने व्यक्तित्व में रहते हो मन बुद्धि चेतन काल में, आत्मा के विषय में तुम सभी सोचते, आत्मा को तुमने निकाल दिया होगा। इसलिए आत्मा मन और माया के आवरण में फंसी हो, इसको तुम निकालना नहीं चाहते, बिन सार शब्द कोई पार नहीं कोई कोठन करे। सार शब्द पाओगे तो तुम पार हो सकते हो, इसके बिना पार होना अति कठिन। आत्मा दुख सुख से पार प्यार हो, इसमें व्यक्तित्व विकार दुख सुख मत जान, ये वेद वेदांत सदगुरु देते हैं, इसमें अहंकार काम क्रोध आदि जान। तो भी कहा आत्म अपना व्यक्तित्व प्यार हो, आत्म ने से लेना अपना आप व्यक्तित्व प्यार, आत्म से लेन न दे। ये जो तुम्हारे भाव विचार उत्पन्न होते हैं इनका आत्मा से कोई लेन देन, मैंने ये करना है मैंने वो किया मेरे इतना घाटा हुआ मुझे इतना, ये सारा मन, ये वेद वेदांत सतगुरु दे दें, इसमें अहंकार काम क्रोध आदि जान। बस फौरन तुम्हारे किसी के साथ काम किया उसने कुछ किया तुम्हें अहंकार आ जाएगा क्रोध आ जाएगा, और कोई बड़ी सुंदर चीज देख ली तो काम जाग जाएगा। तो ये सारे मन के अंग काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आत्मा का इसमें लेन देन, ये सारा मन का खेल। तो बार बार समझाता हूं आत्मा दुख सुख से पार पिया, आत्मा को दुख सुख से कोई लेन देन, ये मन का। इसीलिए कहते हैं दुख सुख एक समान प्यार, तुम एक जैसे रहो, तुम एक जैसे रहो दुख कुछ समय के लिए फिर दुख चला जाए, क्योंकि पिछले कर्म भोगने पड़े जो किए तुमने, लेकिन पूर्ण सतगुरु से जुड़ जाओ तो कट जाओ। जैसे चिंगी आपकी पड़ी पुराने गास, घास इकट्ठा किए एक चिंगारी जला दे, इसी तरह तुम्हारे जितने दुखों का सतगुरु शब्द से नाश हो जाता है और तुम फिर सुख में हो। मैं आपके सामने बैठा, जब से ये दांत पाई है मुझे दुख कभी भरमाते ही नहीं, कुछ नहीं आता है, तो इसी तरह ट्रीट करता हूं जैसे सुख है, मैं उसमें भी मजा ले, और फिर उत्तरायत होते देर नहीं लगती और उत्तरायत हो जाए भाग जा, क्योंकि उसको खुराक नहीं मिलती, फाका लगता तो भाग जा। तुम जब दुख आता है तो तुम उसको बड़ा चढ़ के दिखाना शुरू करते हो, फिर उसके ड्रामे करते हो, उसी में मस्त रहते हो, बस फिर सुख कहां से है। तुमने दुख को अपना लिया, जब दुख को मान लिया तो अपना लिया, तुम दुख को त्याग। मैंने जैसे कहा मुझे जरा ज्यादा तो कोई तकलीफ होती कुछ मैं ज्यादा योगा और सिमरन में चला, योग मेरे हैं सारे सिमरन में, उतराई तो नहीं दिखते, पर तुम कहां बात मानते, तुम तो अपने मदद अपने मुताबिक चलना चाहते हो। अपना आप व्यक्तित्व तो प्यार हो, आत्म से लेन न दे, आत्मा से इसका कोई लेना देना। तुम अच्छी पोस्ट पे रहो तुम्हें मान है तुम्हारी मर्जी, तुमने बड़े सुंदर कपड़े पहने किसी ने नहीं देखा तो उसकी मर्जी, तुम्हारी तुम गाड़ी चला रहे किसी को लिफ्ट दे दी वो तुम्हारा धन्यवाद करता है, किसी को तुमने छोड़ दिया वो सड़क पे ही खड़ा हो तुम आगे, उसने तुम्हें अहंकारी बना दिए, तो इस तरह कैसे ये तुम्हारा
जो बर्ताव है, लेन देन है, इसे आत्मा का कोई नहीं। ये वेद वेदांत सतगुरु देते हैं, इसमें अहंकार काम क्रोध आदि जाते। ये जो पांच चोर दिए ना, काम क्रोध लोभ अहंकार, बस यही तुम्हें दुख दे। इनका संग न करो तो दुख कहां से हो? दुख तभी है जब तुम दुख को पकड़ते हो। दुख को पकड़ना छोड़ दो तो दुख भाग से। आत्म दुख सूक्ष्म पार प्यार हो, इसमें व्यक्तित्व विकार दुख सुख मत जान। ये दुख सुख से पार है, इसमें तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा व्यक्तित्व तुम्हारा क्या है, तन और मन, इसी के भाव, इनसे कोई लेना देना नहीं। विकारों से कोई लेना नहीं, दुख से कुछ लेना देना नहीं, सुख से कुछ ले, सुख दुख ये मन गया। आत्मा के तीन है, प्रेम सत्य और आनंद, दुख सुख मन के। ये आत्मा का कोई इनसे लेन देन। आत्म जन्म मरण से पार पिया, न मरती है न जमती, इसकी मृत्यु कभी मत जान रहे। नहीं उपजे विन से कबू प्यार, ना पैदा होती है ना खत्म होती है, ना आती है ना जाती है, नहीं आवे नहीं जाए, ये सदा अजर और अविनाशी। ना ये टूटे ना मन लगे, ना जले ना जाए, धन सो मानस नान का जो गर्ष है। नैनन छेदन शस्त्रानी नद्यानी त्यापन शोष्टी मर, ये तन विष की भेड़, मत करो इससे प्यार। ये तो पांच तत्व का पुत्रा प्यार, कुछ दिनों का संसार, कुछ दिनों का संग, इसलिए कुछ पलों का संग है, इसे क्या इतना सुंदर है तो भी अच्छा, पूरा कुरूप है तो चला जाएगा, सब पांच तत्व में बैठ जाए। जन्म मृत्यु आत्मा का नहीं है, ये काव्य में अब आपको ले। आत्मा दुख सुख से पार प्यार हो, इसमें व्यक्तित्व विकार सुख दुख मत जान रहे, ये काव्य है। आत्म जन्म मरण से पार प्यार हो, इसकी मृत्यु कभी मत जान दे। नहीं उपजे विन से कबू प्यार हो, नहीं आवे नहीं जा, कहीं आती और जाती नहीं, अपने स्रोत को देखती है। कब तुम चेतन हो जाओ तो निजगर चले, बस जब तक तुम जगाते नहीं, जब दूत अपना काम करते रहते, एक बाड़ी से दूसरी बाड़ी को पुराण में ले जाते हैं, सुरती साथ देती है और वहां दाखिल हो जाते, उन्हें कुछ नहीं सुरती को, क्योंकि सुरती को पकड़ा ही नहीं जा सकता। सुरती सतपुरुष का मेन अंग, इसे कोई नहीं पकड़ सकता। इसलिए तुम्हारे को बार बार सुन, जन्म मृत्यु आत्म का नहीं प्यार, ना पकड़ी कटी मत जान, ना इसे कोई पकड़ सकता है, ना इसे कोई काट सकता है, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, पांच तत्व इसका कुछ नहीं बगाड़ सकता। आत्म किसी की जकड़ में प्यार हो, निरंजन माया आत्मा से काम लेते जा, ये काम लेते। आत्मा को मन बरमाता है, बाबा तू मेरा ही रूप है, तू ही तन है, तू ही मन है, तू किस भरम में फंसा हो, बस ये काम कर मेरे साथ। आत्म भूली निज रूप को, अपना रूप भूली है तभी फंसी संसार। आत्म फंसी संसार में तासे पड़ जे तू, सुरती बांध स्थिर कर सार शब्द से, आत्म पहले तू, फिर सतपुरुष की होगी, फिर मन कुछ नहीं कर पाए। पर जब तक तुम सार शब्द की दात ना पाओगे, तब तक आत्मभूति भूली जान, तुम फंस गए इसके जाल में, अपार होना अति कठिन तू जान रहे। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा काम तुम्हें आत्मा का ज्ञान देना था, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी, फिर तुम मथुरा जाओ, काशी जाओ, तीर्थों पे जाओ, नहाओ, तिलक लगाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, और भी गिरजाघर, पर किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा करता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, दिल का तोड़ने का मतलब आत्मा को,
आत्मा को हानि देने की चेष्टा करते हो, किसी के ठेस नहीं पहुंचाने। हमें किसी को ठेस पहुंचाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। तो ये काव्य था, ये नामा तो मैं चल रहा हूं। आत्मज्ञान की बात सुनो ताती, ये जो है हमारे पास कि आत्म ज्ञान की बात काकभुषुंडी जी सुनो ताती ये अकथ कहानी। ये कहानी काकभुषुंडी जी ने आत्मा के विषय में जानकारी दी अब बड़ी। जब गरुड़ जी जो विष्णु के वाहन है, जिन पर विष्णु भगवान सवारी करते हैं, गरुड़ जी विष्णु भगवान से एक बार कहा कि मुझे ज्ञान दीजिए, मुझे आत्मिक ज्ञान। तो विष्णु जी ने देखा कि इसका विशेषज्ञ कौन है, तो उन्होंने कहा काकभुषुंडी के पास आप जाओ, उनसे ये ज्ञान तुम्हें मिले। गरुड़ जी काकभुषुंडी के पास पहुंचे आत्मज्ञान के लिए कि मुझे आत्मा का ज्ञान दो। तो गरुड़ जी उसको ज्ञान देने के लिए अग्रसर हो गए, मान लिया हाँ मैं देता। तब ये कहते हैं सुनो तात ये अकथ कहानी, समझ बने न जाए बिखानी। मैं तुम्हें ये कहानी सुनाने लगा हूं, तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसे समझ पाते हो या नहीं समझ पाते, लेकिन समझाना बड़ा कठिन काम, ये चीज समझाई नहीं जा सकती। इसलिए का आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। इसलिए आत्मज्ञान बिन सतगुरु बात बने नहीं कोई कोटन करे उपाय। तुम बिना मेरे पास आए आत्मज्ञान नहीं मिले, या बिना मेरे सतगुरु के पास जाए ज्ञान नहीं मिले। मैं किसी का भी भ्रमण में निरादर नहीं करता, लेकिन सत्य बताता हूं कि और किसी के पास ये सच्ची दात नहीं। ये सुनने और सुनाने से नहीं बात बने, पाने से बात बने। जिन पाया जिन जाना तिन रंग, जो पाएगा जानेगा। तुम किसी को भूख लगी है तुम उसको खाना दोगे, वो खाएगा तो तृप्त होगा तो आपसे खुश हो जाए। तुम हाथ में जैसे बच्चे खेलते हैं, लो ये खाना है खा लो, ये खाना खेलते हैं बच्चे, मैंने भी शायद खेला। वो झूठ मूठ में करते तो झूठ मूठ की बात पर तो बनेगी, इवन समझ से बात नहीं बने, बिना सार शब्द बात बने नहीं कोई कोटन करे। जब तक ये दात नहीं मिलेगी तुम जाग नहीं पाओगे। इसलिए प्यारे सत्संग जान में यहां रखता हूं, अगली बार में पूरी तरह से फिर आत्मा की तरफ चलूंगा। हाँ अगली बार में नए टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, यही मेरा टॉपिक होगा। मैं आपको 9वें अंतरे में हूं और ये काकभुषुंडी जी की बात कर रहा था, तो यहाँ समाप्त करते हैं। घड़ी भी आप कहती आप बंद कर लो, तो अब मैं बंद करने जाऊँ। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के।